तो दोस्तों Realme 5 Pro के लॉन्च के बाद अब Realme अपना अपकमिंग स्मार्टफोन Realme XT लॉन्च करने वाला है, जो कि आने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। और दोस्तों ये स्मार्टफोन होने वाला है इंडिया का पहला 64 मेगापिक्सल का कैमरे वाला स्मार्टफोन। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एक प्लास्टिक बॉडी, जो कि आने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ में, जैसा कि रियलमी के प्रीवियस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि होने वाला है इंडिया का पहला 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन। और उसके साथ ही दोस्तों 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में, जो कि होने वाला 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एमोलेड स्क्रीन की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसा कि रियलमी एक्स में देखने को मिला था। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि रियलमी के न्यू ओएस के साथ आने वाला है। और बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 855 का प्रोसेसर। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार होने वाला है, जो कि आने वाला है दोस्तों दो रैम वेरिएंट के साथ में, जिसका पहला रैम वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन 8GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है वूक के 3.0 के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, जो कि आपके फोन को 30 मिनट के अंदर ही 50% से ज्यादा चार्ज कर देती है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का अगर प्राइसिंग और रिलीज डेट की बात किया जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, की प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 20 से 21 हज़ार रुपए के करीबन। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की हायर वेरिएंट की, उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 25 हज़ार रुपए के करीबन। तो दोस्तों अब बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो इस स्मार्टफोन को सितंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, यानी दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को सितंबर के महीने से परचेज कर सकेंगे फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।